यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। आज मेरठ कोर्ट में अनवर ढेबर को पुलिस पेश करने वाली है। शराब के नकली होलोग्राम बनाने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। सेंट्रल जेल से रिहा होते ही यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को कस्टडी में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है कि यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी होलोग्राम का ये मामला बताया जा रहा है जिसमें गिरफ्तारी की है। मंगलवार को देर शाम हुई गहमा गहमी के बाद ये गिरफ्तारी कर ली गई। मैं आपको बता दूं कि एसीबी कोर्ट से अनवर को जमानत मिल गई थी, लेकिन मंगलवार देर शाम जैसे भी वो जेल से बाहर निकले थे तो यूपी एसटीएफ उनके सामने थी, गिरफ्तारी कर ली गई। अनवर ढेबर के वकील ने भी ये आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अनवर ढेबर को हाईजैक कर लिया है। सियासत जारी है, लेकिन खबर यह है कि गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 9:15 बजे रात में उनको जेल से रिलीज किया गया। उनको इस खराब स्थिति में जब ये इनके परिजन अस्पताल ले जा रहे थे तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनको, रायपुर पुलिस ने उनको अस्पताल नहीं ले जा दिया और उनको एक तरह से हाईजेक करके वो सिविल लाइन थाने लिया। अभी हमको एक केस की सूचना इनके परिवार को दी गई है कि इनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके ये कब पेश करेंगे, कहाँ पेश करेंगे, इस सूचना में कोई जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित घोटाला शराब घोटाला में बहुत बड़ा अपडेट आया है। इसमें अपडेट ये है कि यूपी एसटीएफ की टीम यूपी से अब रायपुर पहुंची है और यहां पर उन्होंने अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी जो कि शराब घोटाले मामले के आरोपी हैं उनको कस्टडी में ले लिया है। यहां पर अभी देर रात जो है यूपी एसटीएफ की टीम जो है अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को कस्टडी में ली हुई है सिविल लाइन थाने के बाहर। की किस तरीके से पुलिस की छावनी में ये थाना पूरा तब्दील हो गया, अंदर में देखिए कि किस तरीके से एम्बुलेंस लगा हुआ है और ये वही एम्बुलेंस है जिससे अनवर ढेबर को सिविल लाइन थाना लाया गया है। आज अनवर ढेबर को रिहाई मिली सेंट्रल जेल से और जब वो सेंट्रल जेल से बाहर निकले तब यूपी एसटीएफ ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। चूंकि कुछ अनवर ढेबर के समर्थक भी वहां पर पहुंचे हुए थे तो इस दौरान पुलिस और अनवर ढेबर के समर्थकों में थोड़ा झूमा झटकी भी देखने को मिला। ये पूरा मामला दरअसल इस तरीके से समझिए कि शराब घोटाला जो कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है, इसमें नकली होलोग्राम बनाने का भी मामला था। ये पूरा नकली जो होलोग्राम था शराब पे जो लेबल चिपकाया जाता था ये पूरा काम जो है यूपी से होता था। ये वाली बात होगी कि किस तरीके से अब इन लोगों को जो है यूपी ले जाया जाता है। खबर ये भी है कि यूपी में जो है इन्हें ले जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। तो देखिए, शराब घोटाले के फर्जी होलोग्राम मामले को लेकर ये गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने की है अनवर ढेबर की। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। रोहित, होलोग्राम घोटाले में ये गिरफ्तारी अहम हो जाती है क्योंकि अनवर ढेबर का नाम खुद आरोपी से पूछताछ में सामने आया था, तो क्या एसीबी कोर्ट से मिली जमानत के बाद भी राहत मिलती दिख नहीं रही है अनवर ढेबर को? बिल्कुल, देखिए, जनवरी के महीने पे ईओडब्ल्यू ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज की थी और उसके बिना पर लगातार अनवर ढेबर से रायपुर में पूछताछ की जा रही थी। ईओडब्ल्यू कार्यालय पे ये पूछताछ हो रही थी, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आया कि क्योंकि अनवर ढेबर की तबीयत खराब हो चुकी थी, ऐसे में हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि जो अनवर ढेबर है उनको रिलीज किया जाए, मेडिकल लीव पर उनको रिलीज किया जाए, तो जमानत दे दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो नोएडा में भी एक एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी, वो एफआईआर नकली होलोग्राम की थी। वहां से नोएडा की एक कंपनी है उनके साथ अनवर ढेबर मिलकर जो है वो नकली होलोग्राम जो है वो छपवाया करते थे और उसके बाद में जो शराब है उस पर लगाकर छत्तीसगढ़ सहित पे राज्य के देश के कई कोने पे जो है वो बेचा जाता था, जिसके बिना पर यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो कल पहुंची थी और यूपी एसटीएफ की टीम ने एक हफ्ते पहले ही कोर्ट पे प्रोडक्शन वारंट दे दिया था। प्रोडक्शन वारंट वो लेकर आई थी और नियम अनुसार जो है जब अनवर ढेबर मेडिकल लीव पर वहां से बाहर निकले, जमानत हुई उनकी, तब उसी समय वहां पर यूपी एसटीएफ की टीम भी मौजूद थी। और इसी वजह से अनवर ढेबर के वकील ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर अनवर को हाईजैक करने का आरोप भी लगा दिया है। किस बिना पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि शायद यूपी एसटीएफ ने बकायदा आवेदन पेश किया था ना ले जाने के लिए, जिसकी मंजूरी भी मिल गई थी यूपी एसटीएफ को।
बिल्कुल अंजी, देखिए प्रोडक्शन वारंट वो होता है कि पहले उसको दे दिया जाता है और उसी के बिना पर जो है आगे कार्रवाई की जाती है। तो पहले से यूपीएसटीएफ ने ये वारंट कोर्ट में पेश किया था, ईओडब्ल्यू को ये वारंट सौंप दिया गया था, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि टीम उन्हें ले जा सकती है, तो उसी के बिना पर ईओडब्ल्यू की तरफ से कल मंजूरी मिली, क्योंकि ईओडब्ल्यू के तरफ से तो उनको गिरफ्तारी जो है वो हटा दी गई थी, उनको रिहा कर दिया गया था, जमानत दे दी गई थी, तो ऐसे में यूपीएसटीएफ के पास मौका था कि उनको गिरफ्तार कर सके, क्योंकि एक की गिरफ्तारी के बाद में दूसरी जगह पे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ईओडब्ल्यू के गिरफ्त में वो थे तो यूपीएसटीएफ उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन जब उनकी कल जमानत हो गई तो उसके बाद यूपीएसटीएफ जो है उनको गिरफ्तार की, और गिरफ्तार करने के बाद में फिलहाल 2 बजे रात तक वो सिविल लाइन थाने में ही थे, और आज उनको मेरठ कोर्ट पे आज पेश किया जाना है, क्योंकि नियम अनुसार प्रावधान यह है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। सहायक कैबिनेट की बैठक होनी है आज, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक होगी, दोपहर 3 बजे महानदी भवन मंत्रालय में होगी ये बैठक, और मोदी की गारंटी पूरा करने को लिए जा सकते हैं कई निर्णय, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी होगी। तो देखिए ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां बादशाह संहिता खत्म हो गई है, लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो ऐसे में पहली बार विष्णु देव साय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है, तो इसमें कई अहम निर्णय शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे महानदी भवन मंत्रालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी, और मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सकती है, कौन कौन से संभावित विषय हैं उसके लिए अधिक जानकारी के लिए मैं फिर से रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का, सीधा बने हुए मेरे साथ। रोहित, ये पहली बार साई कैबिनेट की बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद, तो इसमें क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? अंजलि, 3 महीने बाद ये बैठक हो रही है, और बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि सरकार के 6 महीने भी पूरे हो चुके हैं, ऐसे में मोदी की गारंटी का जो दावा है, मोदी की गारंटी है उसको पूरा करने को लेकर कवायद शुरू की गई है, और इसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और इस बैठक पे आगामी समय पे बरसात का एक समय आने वाला है, ऐसे में कई समस्याएँ आती है, और किसानों के लिए खासतौर पर खाद बीज की उपलब्धता को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बुवाई का भी जो समय है वो आ गया है, इसके अलावा आगामी समय पे किस प्रकार से काम किया जाए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर किस तरह से फैसला लिया जाए, वो तमाम चीजों को लेकर ये बैठक है, और इससे पहले हमने देखा है अंजलि, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय ने भी तमाम विभागों की समीक्षा बैठक ली थी, जिसके बाद में मंत्री केदार कश्यप, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, तमाम लोगों ने बैठक की थी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो एजेंडा है वो तैयार किया गया है, और उसी एजेंडा के तहत में आज जो है वो चर्चा की जाएगी, दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक ये बैठक होने वाली है। बिल्कुल, समीक्षा बैठक में भी कई अहम निर्णय देखे गए थे, और अब जहां ये कैबिनेट की बैठक है तो इसमें भी कई महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में योग करेंगे। योग दिवस का ये 10वां सालाना आयोजन होगा। पिछले कुछ दिनों से मोदी के एक्स हैंडल से आने वाले एनिमेटेड वीडियो से ही अंदाजा लग गया था कि इस बार का आयोजन खास होगा। श्रीनगर में जनता के बीच बैठकर योग कर मोदी दुनिया को भी संदेश देंगे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में अब हालात सामान्य हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने में मशगूल नरेंद्र मोदी अब श्रीनगर जाने की तैयारी में हैं। 20 जून को वो घाटी में कदम रखेंगे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज ही यहीं से करेंगे। योग को लेकर प्रधानमंत्री कितने सजग हैं वो सभी जानते हैं। 74 साल की उम्र में वो अपने दिन की शुरुआत योग से ही करते हैं और हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ नया और रोचक करने की कोशिश करते हैं। इस साल का योग दिवस कितना खास होने वाला है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उनके कई एनिमेटेड वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। दिनों में प्रधानमंत्री लगातार अपने एक्स हैंडल पर अलग अलग तरह के एनिमेटेड योगासन पोस्ट कर रहे हैं, साथ ही उनका महत्व भी लोगों को बता रहे हैं। पीएम मोदी कौन कौन से आसन के बारे में बता चुके हैं विस्तार से समझिए। वृक्षासन, जो कि शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है और मजबूती देता है। ताड़ासन, शरीर को ज्यादा ताकत देता है और संतुलन बनाता है। त्रिकोणासन, पीठ और कंधे को मजबूती देता है और एकाग्रता बढ़ाता है।
चक्रासन हृदय को सेहतमंद रखता है। पादहस्तासन रीढ़ के लचीलेपन को बढ़ाता है। महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। भद्रासन जोड़ों को मजबूत बनाता है और पेट की तकलीफों को दूर करता है। उष्ट्रासन पीठ और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। देश की आबादी को योगा से जोड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही दुनिया भर में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने 27 सितंबर 2014 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 11 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था। इसके बाद से विश्व में योग को नई पहचान मिली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग महोत्सव 2024 के रूप में मनाया जाएगा। इसका विषय महिला सशक्तिकरण के लिए योग रखा गया है। माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम के इस दौरे को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसके पीछे तीन बड़ी वजहें हैं। आपको समझाते हैं। पहली बड़ी वजह, सरकार बनाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से ही बीजेपी 2019 में राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी है। दूसरी वजह, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन। इस महीने पूरे हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 5 में से 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। उसे दोनों सीटों पर जीत मिली है। मुस्लिम बहुल 3 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। यहाँ हालात सामान्य है। 370 के बाद दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश है कि कश्मीर में हालात अब बदल रहे हैं और सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रधानमंत्री की भागीदारी के साथ कार्यक्रम काफी बड़ा होने की उम्मीद है, जो जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को उजागर करेगा। खबर ये भी है कि पीएम मोदी श्रीनगर से देश को कोई खास संदेश देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश भर में 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस के लिए भव्य तैयारी की जा रही है। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 35,000 लोग एक साथ योग करेंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम की तैयारी पर मंगलवार को रायपुर कलेक्टर और समाज कल्याण विभाग की डायरेक्टर रोक्तिमा यादव ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया है। रायपुर में इस बार भव्य योग दिवस मनाया जाएगा, इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में। और रायपुर के कलेक्टर और समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर सब यहीं पर मौजूद हैं और इस तैयारी का जायजा लेने यहां पर पहुंचे। सर, किस प्रकार की तैयारी है, कैसी व्यवस्था रहेगी? सर देखिए, 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा और रायपुर का जिले का सौभाग्य है कि इस योग दिवस के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सबका प्रोत्साहन के लिए रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। हम सब योग करेंगे सर? निसंदेह रूप से हम सब योग करेंगे, और योग केवल कार्यक्रम के लिए न करें, योग को प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं, इसी संदेश को देने के लिए एक साथ इतने लोग योग करेंगे। मैम, ये बताइए कि इस बार कितने लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था रखी? हमारी व्यवस्था 35,000 के ऊपर की है। और नगर निगम का जो पूरा एरिया है, जिसमें कि 70 वार्ड में जो हमारे योग प्रशिक्षक होते हैं और वो जो डे टू डे लाइफ में योग कराते हैं, तो वो पूरी टीम हमारी यहाँ पे आने वाली है। साथ ही शासकीय अधिकारी कर्मचारी तो होंगे ही, और सामान्य जन से भी अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आके यहाँ पे भाग ले और उस दिन योग का कार्यक्रम करें। मुख्यमंत्री भी रहेंगे और बाकी मुख्यमंत्री जी का मुख्य आतिथ्य है, और साथ ही माननीय मंत्री समाज कल्याण मैडम की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस जगह की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे तैयारी चल रही है और डोम लगाया जा रहा है 35,000 लोगों की कैपेसिटी के साथ। ये जो तैयारी चल रही है वो देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और योग दिवस पे क्या खास होगा, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इसी मंच पर योग करते हुए नज़र आएंगे और प्रदेश भर से 35,000 लोग एक साथ यहाँ पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में योग करेंगे। रायपुर से विस्तार न्यूज़ के लिए रवि। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव मैदान में होंगी और वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। प्रियंका को वायनाड से उतारने के पीछे कांग्रेस की रणनीति उत्तर से दक्षिण तक राज्यों को साधने की है। वहीं प्रियंका के वायनाड से उतरने के ऐलान के साथ ही अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। देखिए रिपोर्ट इस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया है। वो अपने रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया
कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी होंगी। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपनी दोनों सीट वायनाड और रायबरेली पर प्रभावशाली अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस के इस फैसले से उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की सैलान के बाद गांधी परिवार को लेकर अब सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। पारिवारिक कंपनी है ये तो आज सिद्ध हो गया। माता जी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी खुलकर बोला है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ अन्य कांग्रेसी नेता भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहां भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता उनको भारी बहुमत से जिताए। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। राहुल गांधी ने आप सबको, पूरे देश को, पूरी पार्टी को एक वादा किया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो सबको पसंद आएगा, और वाकई वो वादा उन्होंने पूरा किया। हम सबको पसंद आया, पूरे देश में एक खुशी की एक लहर है कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया। रायबरेली को भी दो सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड को भी दो सांसदों का लाभ मिलेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, बहुत अच्छा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन्हें रोक थोड़ी रहे हैं। आए वायनाड में, उनका कोई भी नेता मोदी जी लड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है, कोई रोक थोड़ी रहा है उनको। लंबे समय तक चुनावी राजनीति से दूर रही प्रियंका गांधी के लिए ये पहला चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव लड़ने वाली गांधी परिवार की प्रियंका गांधी 10वीं सदस्य होने वाली है। लेकिन गौरतलब है कि वायनाड में CPI की तरफ से भी एक उम्मीदवार खड़ा होने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर कहें, वायनाड सीट से उपचुनाव जीतकर अगर प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंचती हैं, तो संसद में इस बार गांधी परिवार के तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोकसभा में सुनना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छतरपुर जिले के पहाड़ गांव की बिटिया बिन्नू रानी का वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। बुंदेली बोली में बिन्नू रानी के रील्स और वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए खूब वायरल हो रहे हैं। वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक्स पर बिन्नू रानी का वीडियो देखा और बच्ची का आत्मविश्वास देख कर उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। जिनसे मिलने बिन्नू रानी भोपाल आवास पर पहुंची, जहाँ इस दौरान दिग्विजय सिंह ने बिन्नू रानी को खूब दुलार किया और रील भी बनाई। सागर में नए स्थान पर शिफ्ट किए गए बस स्टैंड को लेकर बस संचालकों और जिला प्रशासन की मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और विधायक शैलेंद्र जैन की उपस्थिति में बैठक हुई। बैठक में बस हड़ताल के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बीच कलेक्टर और मंत्री ने बस संचालकों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी की है।